और अब बात करते हैं कानपुर की, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जश्न मनाते हुए मिष्ठान का वितरण कर बधाई दी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बीजेपी तथा एनडीए के सभी घटक दलों को बधाई देते हुए कहा कि अंत्योदय की दृष्टि से बढ़ाया हुआ यह कदम देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा केवल बीजेपी में ही संभव है। विराट 24 के लिए कानपुर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। हाँ देखिए, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन होना ये देश के लिए बहुत बड़ी सौभाग्यशाली बात है। अंत्योदय की दृष्टि से बढ़ाया हुआ ये देश का कदम आने वाले समय में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। मैं माननीय मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ और सभी एनडीए के घटक दलों को बधाई देता हूँ। बीजेपी की सोच इस प्रकार की है, ये केवल संभव बीजेपी में है कि एक आदिवासी क्षेत्र की सामान्य सी महिला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित किया, जो अपने गाँव में बच्चों को शिक्षित करने का काम अपने उस आय से कर रही थी, जो जीवन भर उन्होंने ईमानदारी से कहीं शिक्षक के रूप में, कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में जो अर्जित की थी, उस आधार पर वो उनको शिक्षा देने का काम कर रही थी, उनको माननीय मोदी जी ने, हमारे एनडीए ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुला करके और राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। ये सौभाग्य केवल भारतवर्ष में ही हो सकता है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की सोच को आगे बढ़ाता है। और ये देश निश्चित रूप से आज के दिन को जीवन भर याद रखेगा और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में इसे लिखा जाएगा।